जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं कमलेश, आपके अपने चैनल इंटीरियर फर्नीचर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों, वो हम डबल स्लाइड डोर वार्डरोब बनाने वाले हैं और हमारा जो चैनल लगेगा दोस्तों, वो टॉप लाइन 22 लगेगा। तो उसके हिसाब से हमारा वीडियो है दोस्तों। अगर वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो दोस्तों, तो आपको पूरे ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वार्डरोब में सबसे पहले नीचे का बॉक्स बनाएंगे। हमारा जो टॉप बॉटम का पार्टी है दोस्तों, उसको सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर मार्किंग करने के बाद दोस्तों, 9 mm इधर, 9 mm इधर मार्किंग कर लेंगे तो हमारा 18 mm हो जाएगा। और 18 mm के मार्किंग को दोस्तों, काट कोने की मदद से कुछ इस तरह से उतार लेंगे। उतारने के बाद दोस्तों, जो साइड का पार्टिया है उसमें हमारा 100 mm का स्कटिंग है, तो 100 mm की स्कटिंग के हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे। वो मार्किंग को भी दोस्तों, हम काट कोने की मदद से कुछ इस तरह से उतार लेंगे। और उतारने के बाद दोस्तों, जो हमारा सेंटर में वर्टिकल आएगा, उस वर्टिकल के मार्किंग को भी हम उतार लेंगे। दोस्तों, सेंटर का वर्टिकल का मार्किंग करने के बाद दोस्तों, 17 नंबर पौन इंच का खीरा जो मार्किंग होता है, मार्किंग लाइन से सट के मतलब लगाना है, ताकि हम जो वर्टिकल जो सपोर्ट होता है उसको खड़ा कर सकें। फिर हमारा जो सपोर्ट होता है बराबर, मतलब मेजरमेंट साइज पे खड़ा होता है, तो कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों, हम साइड का जो पार्टिया है उसको फिक्स करेंगे। तो साइड का पार्टिया दोस्तों हम फिक्स कर रहे हैं, उसके लिए हमारा जो खीले का साइज़ है दोस्तों, वो 14 नंबर 1.5 इंच का है। 14 नंबर 1.5 इंच के खीले के हिसाब से आप मतलब बॉक्स बना सकते हैं। आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप 2 इंच का भी खील ले सकते हैं 14 नंबर का, लेकिन हम 1.5 इंच का ले रहे हैं। तो हमारा एक साइड का दोस्त पार्टिया लग चुका है। अब हम दूसरे तरफ का दोस्त पार्टिया को फिक्स करेंगे। दूसरे तरफ का पार्टिया को फिक्स करने के बाद दोस्तों, हमारा जो वर्टिकल पार्टिया है उसको भी हम फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, हम जो हमारा जो नीचे का मतलब जो ये बॉक्स है बना रहे हैं हम, इसके अगर हाइट की हम बात करें तो दोस्तों 16 इंच का है, और हमारा इसमें जो स्कटिंग है वो 4 इंच का है। तो 16 में से 4 निकालने के बाद दोस्तों 12 इंच बचेगा। 12 इंच का जो हमारा जो गाला बचेगा दोस्तों, उसमें हम एक्सटर्नल ड्रावर बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो ऊपर का ये पार्टिया है वो भी हम लगा लेंगे। तो हमारा जो ऊपर का पार्टिया है दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लगाने के बाद दोस्तों, इसमें बैक पैनल जो हमारा आएगा, बैक पैनल लगा लेंगे। तो दोस्तों, मतलब खीले लगाने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रू लगा लेना है। स्क्रू लगाने से दोस्तों फ़ायदा यह है कि मतलब जो हम बॉक्स बनाते हैं उसमें मजबूती आ जाती है, कभी हिलता नहीं है। तो इसके लिए आपको स्क्रू लगा लेना। अगर स्क्रू की लेंथ की बात करें दोस्तों, तो हम स्क्रू 40 का लगाते हैं। और स्क्रू में आप मतलब साबुन भी लगा सकते हैं ईजिली, मतलब जाने के लिए। स्क्रू में साबुन लगाने से दोस्तों मतलब टूटने का डर नहीं रहता है, तो इसके लिए आप साबुन लगा के स्क्रू लगा सकते हैं। तो आप मेरा बॉक्स दोस्तों बन चुका है। अब हम बैक पैनल लगाएंगे। अगर बैक पैनल की थिकनेस का बात करें दोस्तों, तो हमारा बैक पैनल दोस्तों वो 9 mm का है। 9 mm का बैक पैनल दोस्तों हम मतलब दोनों तरफ से लेमिनेट पेस्ट करके तैयार किए हैं। हमारा जो इसमें लेमिनेट है दोस्तों, इनसाइड का लेमिनेट है, हमारा फैब्रिक कलर का है। फैब्रिक कलर के हिसाब से आप भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो हाफ वाइट भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें फैब्रिक कलर है दोस्तों। तो दोस्तों, जब बैक पैनल लगाते हैं दोस्तों, तो पहले जो चौड़ाई वाला भाग है उसमें खीला लगाना चाहिए, ताकि ना कि लंबाई वाले में। अगर चौड़ाई वाले में लगाते हैं तो फिर लंबाई वाले को मारने में आपको ईजी रहता है, ताकि इधर उधर करने में परेशानी नहीं होता है। तो इसके लिए हम पहले चौड़ाई में लगाएंगे, उसके बाद लंबाई में लगाएंगे। और ये खीले लगाने के बाद दोस्तों, बैक पैनल में भी आपको स्क्रू ज़रूर लगाना है, क्योंकि हम जब बॉक्स फिटिंग करते हैं दोस्तों, तो हमारा उस टाइम मतलब बॉक्स खुल जा बैक पैनल खुल जाता है दोस्तों। तो इसके लिए हम बैक पैनल में भी कुछ इस तरह से आपको स्क्रू लगा लेना है। तो हमारा बैक पैनल में स्क्रू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा स्क्रू 30 mm का है। 30 mm के हाइट के हिसाब से हम स्क्रू इसमें लगाएंगे। और मतलब इसमें 40 का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बैक पैनल है वो 30 mm का है, 9 mm का है। दोस्तों, हमारा जो नीचे का बॉक्स है वो बॉक्स भी बन चुका है, तो बॉक्स को हम उसके जगह पर रख देंगे। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो ऊपर का बॉक्स है उसको हम बनाएंगे। हमारे ऊपर के बॉक्स में दोस्तों, हम नीचे स्कटिंग देंगे। हम स्कटिंग बोल तो बॉक्स के ऊपर ही स्कटिंग रखेंगे। स्कटिंग इसके लिए देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे इसमें चैनल आएगा, जो स्लाइडिंग चैनल है 22 टॉप लाइन जो चैनल है दोस्तों, वो स्कटिंग के अंदर ही आता है। तो इसके लिए आपको इसमें भी 100 mm का स्कटिंग देना है। और उसके बाद टॉप पे हमारा दोस्तों 18 mm का पार्टी आएगा, तो 18 mm का पार्टी के हिसाब से यहाँ पे 18 mm का मार्किंग कर लेंगे। तो दोस्तों, मार्किंग करने के बाद दोस्तों, जो हमारा सेंटर का मार्किंग है वो भी कर लेंगे। उसके बाद नीचे जो ड्रावर का पार्टी है वो उसका भी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद दोस्तों, जो मतलब वर्टिकल जो बीच का लगाना रहता है वो भी, उसका भी मार्किंग नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद दोस्तों, इसमें भी जैसे 17 नंबर 1.5 इंच के खीले के हम उसमें बता रहे थे आपको, इसमें भी सेम वैसे ही करना है आपको।
तो जो हमारा मतलब सपोर्ट है वो सही जगह पे परफेक्ट आ जाता है। तो आपको भी इस तरह से मार्किंग करने के बाद आपको सेम उसी तरह से खीले लगा लेना है। खीले लगाने के बाद आपको बॉक्स बना सकते हैं। और बॉक्स बनाने के लिए दोस्तों आपको हमेशा मतलब मेजरमेंट का बरोबर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट इधर उधर हो गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप मेजरमेंट को बार बार चेक कर लीजिए ताकि मतलब हमारा कुछ भी चीज़ उल्टा ना हो। उसके बाद दोस्तों मैं मार्किंग करने के बाद हम बॉक्स को किसी इस तरह से जोड़ देंगे। पहले दोस्तों हम जो टॉप वाला पार्टिया है टॉप के तरफ से मतलब जोड़ेंगे, क्योंकि हम पहले के टॉप का जोड़ लेंगे उसके बाद इस कटिंग के ऊपर का जोड़ेंगे। तो हमारा दोस्तों इधर भी मतलब खिले हम 1.5 इंच का लगा रहे हैं। 1.5 इंच के खिले के हिसाब से हम ये पार्टियों को जोड़ रहे हैं। इसमें भी हम पहले खिले लगाएंगे उसके बाद स्क्रू लगाएंगे। अब हमारा एक साइड का हो गया दोस्तों, हम दूसरे साइड का मतलब इस पार्टियाँ लगा रहे हैं। और इसके बीच में दोस्तों हमारा जो ऊपर आप देख सकते हो कि ऊपर आपका मतलब ये मतलब बीच में जो 20 mm का गैप है, तो बीच में 20 mm का आपको गैप छोड़ना है, क्योंकि अपना जो चैनल होता है दोस्तों उसके लिए आपको 20 mm का वहाँ पे पार्टियाँ को सामने से कम करना रहता है। तो उसके हिसाब से आप भी कर सकते हो। अगर पार्टियाँ को बराबर रख दिए दोस्तों तो फिर आपको चैनल लेने में तकलीफ ही होगा। इसीलिए दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि मतलब चैनल के लिए आपको जगह वहाँ पर 20 mm का जरूर छोड़ देना। जो टॉप वाला पार्टियाँ है उसको सामने साइड वाले पार्टी को 20 mm कम कर देना है। जो वर्टिकल जो हम खड़ा करेंगे दोस्तों, वर्टिकल भी हमारा टॉप वाला जो पार्टियाँ है उसी के लेवल खड़ा करना है, ना कि मतलब साइड वाले पार्टी के लेवल। जो हमारा देख सकते हैं आप बीच वाला जो टॉप वर्टिकल है उस टॉप के लेवल ही आएगा। आप इस तरह से देख सकते हो हमारा जो मतलब टॉप के लेवल ही है, तो आपको इस तरह से कर लेना है। और जो वर्टिकल है दोस्तों, वर्टिकल भी मतलब सामने से 1/2 इंच कम रख देना है, क्योंकि वर्टिकल से 1/2 इंच अंदर रहेगा तो हमारा जो ड्रावर आएगा वो ड्रावर का फेसिया दोस्तों इसके लेवल रहेगा, तो वर्टिकल जो है उसके लेवल रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको वर्टिकल से 1/2 इंच कम ही रखना है। तो कुछ इस तरह से आपको वर्टिकल भी डाल लेना है। हमारा चारों वर्टिकल दोस्तों इस तरह से है, मतलब आप भी इस तरह से कर सकते हो। अगर ऊपर वाले हाइट का आपको चेंज करना है तो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन बीच का जो मतलब हैंगिंग वाला जो जगह है दोस्तों उसको 42 इंच रखना है। ये बात का आपको ध्यान देना है। 42 इंच के हिसाब से मतलब जो हैंगिंग वाला एरिया रहता है तो कपड़े के हिसाब से आपको वहाँ पर मतलब फिट बैठता है, तो आपको 42 इंच वहाँ पर रखना ही रखना है। और इसमें बॉक्स में भी दोस्तों हम कुछ इस तरह से स्क्रू लगा लेंगे। और बॉक्स भी दोस्तों बन चुका है, अब इसमें बैक पैनल लगा लेंगे। तो इसमें भी दोस्त हमारा जो बैक पैनल है वो भी 9 mm का ही है। 9 mm के हिसाब से हमने सेम बैक पैनल तैयार किया है। और हमारा जो बैक पैनल मतलब वो इसमें भी जो कलर है वो फैब्रिक लेमिनेट, जो फैब्रिक कलर है फैब्रिक कलर के हिसाब से हमने लेमिनेट लगाया है। आप हाफ वाइट भी या तो दूसरा आपको जो रिक्वायरमेंट वो हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें भी दोस्त पहले टॉप का ही खिल लगाना है, ना कि साइड का लगाना है। पहले टॉप का खिल लगाने से क्या होता है, काट कोने में करने में ईजी होता है, तो आपको टॉप वाले हिस्से में ही खिला लगाना है। तो मैं बैक पैनल लगा लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद बॉक्स को खड़ा करेंगे। और बैक पैनल में भी दोस्तों आपको इसमें भी स्क्रू लगाना है, स्क्रू कंपलसरी लगाना है, ताकि हम फिटिंग करेंगे जब हमारा बैक पैनल खुलने में मतलब कोई खुलने का डर ना रहे। तो इसीलिए आपको मतलब कॉर्नर पे तो आपको कंपलसरी लगाना है, क्योंकि कॉर्नर में ही हम स्क्रू लगाते हैं दोस्तों, तो कॉर्नर में लगा दिए तो अच्छा रहता है। तो हमारा बॉक्स दोस्तों बन चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसमें ड्रावर का जो सेक्शन है वो लगा देंगे। ड्रावर जो हमारा साइड में पैकिंग हो रहा है दोस्तों वो 75 mm का है, क्योंकि हमारा जो साइड स्लाइडिंग डोर है दोस्तों वो थोड़ा इसके ऊपर चढ़ जाता है, तो 1.5 इंच पैक करने से हमारा काम नहीं बनेगा। इसके लिए हम लोग 75 mm का इस तरफ से पैक कर देंगे। और लेफ्ट साइड की बात करें दोस्तों तो हमारे लेफ्ट साइड का कुछ भी पैकिंग नहीं करेंगे, राइट साइड में हम केवल 75 mm का पैक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको भी पैक कर लेना है। और उसके बाद अगर सेंटर में आपको मतलब पार्टी डालना है, क्योंकि आपको अगर दो ड्रावर बनाना है तो सेंटर में पार्टियाँ डाल ले सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपको ड्रॉ बनाना है एक ही बनाना है, तो आपको सेंटर में पार्टियाँ डालने की ज़रूरत नहीं। साइड का पैकिंग करने के लिए दोस्तों आपको कुछ इस तरह से पैक करना है कि ताकि स्क्रू आपको सामने से न लगाना पड़े। कुछ आप ऐसा करिए, आपको जो जैसा समझ में आए कुछ ऐसा करिए कि मतलब साइड से स्क्रू लगा के आप इसको फिक्स कर दीजिए। अगर सामने से स्क्रू लगाएंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसके लिए आप जैसा भी मतलब आपको जो है सिस्टम समझ में आए वो हिसाब से आप अंदर का कुछ इस तरह से पैक कर सकते हैं। सामने से अपना फिनिशिंग दिखना चाहिए, क्योंकि साइड में अगर स्क्रू लगा देंगे तो अपना चैनल आ जाएगा, तो चैनल के नीचे ढक जाएगा, वो दिखेगा नहीं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो बीच में भी सपोर्ट है, क्योंकि हमारा दो ड्रॉ बनाने का है, तो बीच का सपोर्ट का भी मेजर करके हम बीच का भी सपोर्ट डाल देंगे। हम जब तक सपोर्ट डाल रहे हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों, और आपको जो भी डाउट रहता है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों हमारा जो बीच का सपोर्ट है वो सामने भी मार्किंग किए हैं और पीछे की तरफ भी आपको मार्किंग कर लेना है, क्योंकि ड्रावर बनाने के लिए आपको जगह परफेक्ट रखना चाहिए। इसीलिए आपको सामने और पीछे दोनों तरफ मार्किंग जरूर कर लेना चाहिए ताकि हमारा जगह कम ज़्यादा ना हो, नहीं तो अगर आगे ज़्यादा हो गया पीछे कम हो गया तो हमारा ड्रावर जो है टाइट हो जाएगा। और बीच का सपोर्ट डालने के लिए दोस्तों हम यल किलम की मदद से मतलब इसको टाइट करेंगे, और मतलब सामने जो है दोस्तों बीच वाले सपोर्ट को 20 mm आपको कम करना है, ना कि लेवल रखना। अगर लेवल रखेंगे तो सामने से धार दिखेगा और कम कर देंगे तो खाली ग्रुप दिखेगा। तो इसके लिए आपको साइड से सामने से सॉरी सामने से उसको 20 mm कम कर देना। इस तरह यल किलम की मदद से दोस्तों हम उसको फिटिंग करेंगे बीच के सपोर्ट को। तो आपको भी कुछ इस तरह से बीच के सपोर्ट को यल किलम की मदद से फिटिंग कर लेना है। यल किलम लगाने से दोस्तों स्क्रू नहीं दिखता है, तो इसीलिए आपको इस तरह से कर लेना है। दोस्तों हमारा साइड का भी बॉक्स बन चुका है, पूरा हमारा वार्डरोब बन के तैयार हो गया है दोस्तों। और चैनल की अगर लगाने की हम बात करें तो एक वो टॉप वाला टॉप पे लगेगा दोस्तों, और हमारा जो नीचे बीच में इस कटिंग दिख रहा है इस कटिंग में वहाँ पे नीचे वाला चैनल लगेगा। तो आप इस हिसाब से दोस्तों बॉक्स बना सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मन में कुछ डाउट होगा दोस्तों कुछ भी अगर हमसे आकर आपको पूछना है तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरी हेल्प कर दूंगा। अगर कुछ भी छूट गया हो दोस्तों तो उसके लिए सॉरी। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।